हेलो फ्रेंड्स, आज बना रहे हैं हम लोग मैक्रोनी। तो आप देख सकते हैं मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च जीरे का तड़का लगा दिया है। कलर अच्छा आ रहा है इसमें। हाँ देखिए, आपको मेरी वाइफ होस्ट करेंगी, मैं बस बना काफी अच्छा कलर आ रहा है इसका। तो ये बन रहा है मैक्रोनी। तो पहले से ही इसको उबाल के रख लिया गया था और ये पास्ता बन चुका है। ये क्या है? केचप, पेरी पेरी केचप। फिर से दिखा देती हूँ। और इधर तो अभी ग्रेवी, जो ग्रेवी है क्या है ये? इंग्रेडिएंट्स है। ये इनका इंग्रेडिएंट्स तैयार हो रहा है। बस 5 मिनट और लगेगा, ड्राई बनेगा। उसके बाद हम लोग ग्रेवी बना चुके हैं, अब ये ड्राई बनने जा रहा है। ये जो फ्रेंड्स, तो आप देखिए मैं थोड़े से मसाले डालूंगा क्योंकि बच्चों ने खाना है तो ज्यादा स्पाइसी ना। सो गाइस, आप इसे देखिए जरूर। ये एक दिन जो मसाला डालेंगे दूसरे दिन वो मसाला चेंज रहेगा। और इनके ग्रेवी में मुझे खुद नहीं पता इन्होंने क्या क्या डाला है। पता ही नहीं लगता। और अभी इसमें डालने जा रहे हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट। एक चम्मच ले लिए होते, चम्मच से बढ़िया पड़ जाता है। ऐसे लेना है, ज्यादा भी गिर जाता है। पड़ गया है अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसको कहते हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट। बहुत ही अच्छी आ रही है। तो मैक्रोनी की ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है ना, देखिए। जी हाँ, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आया है। इसमें मैंने इसे थोड़ा सा इसमें पास्ता सॉस डाला है। तो इसमें थोड़ा सा नोक झोंक और हमारा प्यार दोनों है। पास्ता, हमारा जमी पास्ता बनके तैयार है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मेरा चैनल अभी नए हैं, अभी बहुत आगे तक जाना है। थैंक यू।